आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टैंक में। आज हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टेस्ट एंड कस्टम में निकली आपकी दिल्ली में निकली नई रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें फ्रेंड आपकी एमटीएस, आपका हवलदार और आपके अन्य वेरियस पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, साथ में हम ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में संपूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल लर्निंग टाइम से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड जानकारी अपडेट मिलती है। तो बात करते हैं इस वीडियो में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स की कस्टम की वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जो वैकेंसी है डायरेक्टर जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है, आपकी वैकेंसी है। यहाँ पे देखते हैं इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, मैं एक एक करके आपको जानकारी दे देता हूँ। सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा रिक्रूटमेंट मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर होस्ट, आपका टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, हवलदार, मल्टीटास्किंग और अंडर आपका स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसी निकली है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं डायरेक्ट आप जनरल ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट न्यू दिल्ली इन्वाइट, एप्लीकेशन फॉर्म मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन एक्टिविटी, आपका डिसिप्लिन लाइक जैसे क्रिकेट मेल, हॉकी मेल, फुटबॉल मेल, स्विमिंग, आपका जो देखते हैं मिस्टर आपका फ्री स्टाइल मेल फीमेल एटलीस्ट 200 मीटर मेल फीमेल, बैडमिंटन सिंगल मेल फीमेल के लिए रिक्रूटमेंट अंडर द स्पोर्ट्स कोटा फॉलोइंग पोस्ट। टैक्स असिस्टेंट की 10 वैकेंसी हैं, पे लेवल आपका जैसे 25 से लेकर 81,000। स्टेनोग्राफर की 1-2 की है, ठीक है, ग्रेड 2 की 1 वैकेंसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लेवल आपका सेम 25-81। हवलदार की 10 वैकेंसी है, पे लेवल 18-56,000। एमडीएस की 3 वैकेंसी, पे लेवल 1-18-56,000 रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, हॉकी, ये सब। मेल फीमेल की हैं यहाँ पे कैटेगरीज वाइज दे रखा है, तो आप देख सकते हैं स्टेट या कंट्री की नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग लिया। अगर आप देश के लिए या किसी राज्य के लिए खेलते हैं, आपने नेशनल या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने भाग लिया है, या यूनिवर्सिटी या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में आपने कंडक्ट किया है बाय इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड से, या स्टेट स्कूल की टीम से आपने नेशनल स्पोर्ट्स गेम या आप देख सकते हैं आपने भाग लिया है, ठीक है, ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन की तरफ से, या फिर आप नेशनल अवार्ड हैं फिजिकल एफिशिएंसी अंडर द नेशनल फिजिकल ड्राइव, तो आप यहाँ पे आपके जो एलिजिबल हैं तो आपके इनमें से चारों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखने मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं आपका जो विलिंग और एलिजिबल कैंडिडेट है, सेंड कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन पोस्ट या पर्सन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में 18 यानी 6 बजे से 5-11 यानी 5 नवंबर तक आप सेंड कर सकते हैं। 17-11 आपका जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के अंडमान निकोबार आइलैंड के लक्षद्वीप के लद्दाख के जम्मू कश्मीर के हैं तो आप सेंड कर सकते हैं इस एड्रेस पे, दिए गए आपका एड्रेस न्यू दिल्ली का है, इस एड्रेस पर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो रेस्ट है आप ऑल इंडिया का रहेगा, ये मैंने स्टेट बताई, ये 17 तारीख तक सेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें 18 से 27 आयु तरीके 1/9/2021 के अनुसार, एज रिलेक्शन रहेगा आपका 5 साल का जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, 10 साल आपका रहेगा एस सी एस टी कैंडिडेट है इनके लिए, ठीक है। यहाँ पे टैक्स असिस्टेंट की बात करें, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं 1/9/2021 के अनुसार डिग्री होनी चाहिए आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इक्विवेलेंट शुड हैव बेसिक नॉलेज, आपको कंप्यूटर यूज करना आना चाहिए, शुड हैव डाटा एंट्री स्पीड होनी चाहिए 8000 की डिप्रेशन, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं 8000 की डिप्रेशन पर आवर डाटा एंट्री वर्क, ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की 12th पास होना चाहिए, इक्विवेलेंट आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड से यूनिवर्सिटी से, स्किल टेस्ट नॉर्म दे सकते हैं 10 आपको मिनट में 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन दे सकते हैं 50 मिनट में अंग्रेजी, 65 मिनट में हिंदी ऑन कंप्यूटर पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हवलदार के लिए आपका जो है हाई स्कूल पास या उसके इक्विवेलेंट यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फिजिकल यहाँ पे देखें फॉर मेल कैंडिडेट के फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रखा है 157.5 सेंटीमीटर, रिलेक्शन 5 सेंटीमीटर, केस आपका गढ़वाल, असामी है, गोरखा है, शेड्यूल ट्राइब की, चेस्ट 81 है, फुल्ली एक्स आपका जो है एक्सप्लेंट विद मिनिमम एक्सप्लेनेशन आपका 5 रहेगा, आप फुलाकर 5। फिजिकल टेस्ट यहाँ पे वॉकिंग साइकिलिंग का दे रखा है 1600 मीटर 15 मिनट में, 8 किलोमीटर 30 मिनट में साइकिलिंग, ठीक है। फॉर मेल कैंडिडेट फॉर फीमेल फिजिकल स्टैंडर्ड 152 आपको दे रखा है, 148 किलोग्राम वेट, रिलैक्सेबल 2.5 सेंटीमीटर ऑफ वेट, 2 kg गढ़वाली असामी और
आपका जो ब्रॉडकास्ट और शेड्यूल ट्राइब के फिजिकल टेस्ट वो देखने वाले साइकिलिंग या फीमेल कैंडिडेट 3 किलोमीटर में 25 मिनट, ठीक है। स्टाफ मल्टीटास्किंग की दे सकते हैं, रिकॉग्नाइज बोर्ड से हाई स्कूल होना चाहिए। यहाँ पे आपको दे सकते हैं लिस्ट आप देखने को मिलेगी क्रिकेट की, यहाँ पे आप जैसे नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है मेल कैंडिडेट, ठीक है। रिमार्क आपका दे सकते हैं बैट्समैन बॉलर विकेट कीपर ऑलराउंडर बॉलर ऑलराउंडर बैट्समैन, हॉकी 6 मेल स्ट्राइकर मिडफील्डर डिफेंडर फुटबॉलर 6 मेल स्ट्राइकर मिडफील्डर डिफेंडर गोलकीपर एथलीट 2 1 मेल 1 फीमेल 200 मीटर स्विमिंग 2 1 मेल 1 फीमेल 200 मीटर फ्री स्टाइल बैडमिंटन 2 मेल फीमेल सिंगल प्लेयर, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी डिवाइडेड क्रिकेट स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल से दे रखा है। स्पोर्ट्स पर्सन हु हैव मेंशन स्पोर्ट डिसिप्लिन वन मेडल द कंट्री या आप जिसने इंटरनेशनल कंपटीशन क्लियरेंस विद डिपार्टमेंट यूथ अफेयर स्टेट या यूनिटेड आपका यूनिटेड यूनाइटेड टेरिटरी सीनियर या जूनियर नेशनल लेवल का चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन हो, यहाँ पर जैसे यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी या आपका एन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन हो कंडक्ट बाय एसोसिएशन इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड से या स्टेट स्कूल टीम नेशनल स्पोर्ट्स आपका गेम का रहेगा कंडक्ट बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन अवार्डेड हो फिजिकली एफिशिएंट नेशनल फिजिकल ड्राइव से तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप सिलेक्शन कैंडिडेट यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट टू फुलफिल आपका जो रहेगा नंबर 1, 2 और के अबव के लिए आप स्क्रूटनी होगी सूटेबल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। शॉर्टली आप जो कैंडिडेट होंगे या बेसिस ऑफ आपका पास्ट परफॉर्मेंस पे होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइज आपके टूर्नामेंट होंगे जो कि आप देख सकते हैं आफ्टर 1/4/2015 के बाद ऑन फील्ड ट्रायल पे होंगे, ठीक है। तो 1/4/2015 के बाद जो आपके परफॉर्मेंस उस पर आपके स्कोर्स के यहाँ पे आपको लिया जाएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के बारे में बात करेंगे, देखिए किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ब्लॉक लेटर में लिखना है कैपिटल में हिंदी अंग्रेजी में, बॉल पेन आपका होना चाहिए ब्लैक इंक का, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है किस चीज़ों का आपको यूज़ करना, तो यहाँ पे मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ ब्लैक पेन का यूज़ करना है कैपिटल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखते हैं एविडेंस सपोर्ट मेरिट आपका स्पोर्ट्स गेम के बारे में दे रखे हैं एनेक्स 3 में देखने को मिल जाएगा। फॉरम 1 आपका इंडियन इंटरनेशनल के कंपटीशन के, फॉरम 2 आपका रहेगा स्टेट नेशनल के, फॉरम 3 रहेगा आपका यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। फॉरम 4 आपका स्कूल टीम नेशनल स्कूल के लिए, फॉरम 5 यहाँ पे देखते हैं फिजिकली एफिशिएंसी परफॉर्मेंस आपके जो है उनके लिए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके क्या क्या रहेंगे कॉपीज, यहाँ पे हाई स्कूल की आपके स्पोर्ट्स एजुकेशन स्पोर्ट्स आपके सर्टिफिकेट आपका SST का सर्टिफिकेट और कॉपी आधार, ठीक है। बाकी आप रिलेवेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे किस तरीके से करना है देखिए, ऑल रेस्पेक्ट आपको देखिए क्लोजर आपका रहेगा कवर पर, आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टैक्स आपका असिस्टेंट जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए आपका स्पोर्ट्स कोटा के तहत नेम ऑफ स्पोर्ट्स आपको अपना बताना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, इस एड्रेस पे आपको दिए गए एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन आपका साइंड होना चाहिए ऑल रेस्पेक्ट, यहाँ पे मैं आपको तारीख बता चुका हूँ 5/11/2021 तक, ठीक है। पोस्ट बाई हैंड आप पहुँचा सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, मैं बता ही चुका हूँ पहले से जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं 17 तारीख तक का टाइम दे रखा है, ठीक है। बाकी आपको डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनके बारे में आप थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, आप ब्लैक में दे रखा है। तो फ्रेंड ये था आपका नोटिफिकेशन, मैंने आप लोगों को जानकारी, अब बात करते हैं ऑफलाइन फॉरम फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको देखिए जो फॉरम है आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टैक्स असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट है आप जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। जिसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं मल्टीटास्किंग को फर्स्ट देना चाहता हूँ, फिर आपको दूसरी टैक्स असिस्टेंट को उसके अनुसार यहाँ पे देंगे, अपनी फोटो लगाएंगे, आपका नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम फादर नेम जेंडर आपका परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस कम्युनिकेशन डेट ऑफ बर्थ आपकी एज 1/9/2021 क्या है आप SC ST है OBC है नेशनलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स इवेंट आपको डिटेल देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिटेल देनी बेस्ट परफॉर्मेंस 1/4/2015 के बाद आपका क्या है इंटरनेशनल नेशनल आपने खेला इंटर यूनिवर्सिटी या अदर है वो यहाँ पे बताना है, आपका डिटेल ऑफ लास्ट परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स यहाँ पे उसका प्रूफ देना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। टेलीफोन नंबर है यहाँ पे आपको देना है, ईमेल आईडी, तो ये आपकी डिटेल है। यहाँ पे आपको NSQR देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं डेट ऑफ इवेंट प्लेस वेयर टूर्नामेंट पोजीशन अर्न आपने प्राप्त की थी उसके बारे में, यहाँ पे आपको फॉरम देखने को मिलेंगे जो कि मैं बताई थी आपके कौन कौन से फॉरम है उसके अनुसार यहाँ पे आपको फिल करना है,
इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल के, उसके अनुसार यहाँ पे आपको फॉर्म को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी जो वैकेंसी निकली थी सेंट्रल बोर्ड आपका इनडायरेक्ट टेस्ट का और कस्टम में आपकी वैकेंसी निकली थी स्टेनोग्राफर की, MTS की और अन्य वेरियस पोस्ट की वैकेंसी के बारे में। कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बताया। अगर वीडियो या इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हेल्प हो तो जरूर हमारे चैनल जुड़े, सब्सक्राइब करें लर्निंग टाइम को, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली अपडेट लिए, और हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे नीचे दिए गए लिंक के साथ। वीडियो देखने फ्रेंड धन्यवाद, जय।